श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन 21 फरवरी 2016 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किया गया था, जिसका उद्देश्य स्थानीय आर्थिक विकास को प्रोत्साहित कर बुनियादी सेवाओं को उपलब्ध कराना है। ये मिशन स्थानीय योजना के माध्यम से क्लस्टर आधारित एकीकृत विकास पर केंद्रित है। इसका उद्देश्य स्थानीय आर्थिक विकास को प्रोत्साहित कर रूर्बन समूहों को विकसित करना, बुनियादी सेवाओं में वृद्धि करना और सुनियोजित रूर्बन क्लस्टर बनाना है। इससे ग्रामीण क्षेत्रों का समग्र विकास होगा और एकीकृत व समावेशी विकास को प्रोत्साहन मिलेगा। क्लस्टरों में विकास के लिए चुने गए कार्यों का बड़ा हिस्सा बुनियादी और आर्थिक सुविधाओं के प्रावधान पर केंद्रित है। बुनियादी सुविधाओं के संदर्भ में इस योजना में निम्नलिखित प्रावधान हैं: सभी घरों में 24 घंटे जल आपूर्ति, घरेलू और क्लस्टर स्तर पर ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन की सुविधा, क्लस्टर के अंतर्गत अंतर ग्राम व गांवों की भीतरी सड़कें, स्ट्रीट लाइट और ग्रीन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सार्वजनिक परिवहन की सुविधाएं। एक क्लस्टर में आर्थिक सुविधाओं के प्रावधानों में कृषि, प्रसंस्करण और पर्यटन के विभिन्न विषयगत क्षेत्र शामिल हैं और लघु एवं मध्यम स्तर के उद्यमों को बढ़ावा देने के लिए कौशल विकास भी शामिल है। इस मिशन के अंतर्गत 300 रूर्बन क्लस्टरों को समयबद्ध तरीके से विकसित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। 7 दिसंबर 2021 तक राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा 300 रूर्बन क्लस्टरों में से 291 एकीकृत क्लस्टर कार्य योजनाएं और 282 विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार की जा चुकी है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन ग्रामीण क्षेत्रों के भौतिक, सामाजिक और सतत आर्थिक विकास को गति देने वाला मिशन है, जो ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच की दूरी को कम करेगा।